हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने WhatsApp के लास्ट सीन को कैसे हाइड कर सकते हो, ठीक है, कैसे छुपा सकते हो कि सामने वाले बंदे को मालूम नहीं पड़ेगा कि कब ऑफलाइन आए कब ऑनलाइन आए, कुछ भी मालूम नहीं पड़ने वाला है सामने वाले बंदे को, ठीक है। सो किसको किसको दिखाना है, ऑनलाइन आए आप या ऑफलाइन आए, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में ये सब बताने वाला हूँ, सारा का सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, बने रहो मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड दोस्तों बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दो ताकि मेरे आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर पाओ। सो दोस्तों, चलो वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सो आपको प्ले स्टोर ओपन करके सबसे पहले जो है आपका व्हाट्सअप को अपडेट कर लेना है, ठीक है। सो व्हाट्सअप अपडेट नहीं करोगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जिससे कि आपको वो फीचर नहीं देखने को मिले, ठीक है। सो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैंने व्हाट्सअप को पहले से ही अपडेट करा हुआ है। एंड दोस्तों, आपका अगर व्हाट्सअप अपडेट मांग रहा है तो अपडेट कर लोगे सिंपल सा, ठीक है। एंड दोस्तों, अपडेट करने के बाद जो है सिंपल सा आपको ओपन कर लेना है, तो मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आपको व्हाट्सअप ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। सो आपको करना है क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंपल सा जो है थ्री डॉट पे क्लिक कर देना, जो कि आपको राइट साइड में ऊपर देख सकते हो मिल जाएगा, ठीक है। इस पर सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। सो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। एंड दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद आपको करना है यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जो कि आपको यहाँ पे सबसे नीचे दिख जाएगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। एंड दोस्तों, सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर आपको शो हो जाएंगे, तो आपको करना है क्या यहाँ पे, सो प्राइवेसी वाले ऑप्शन में आपको जाना है, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो प्राइवेसी का एक ऑप्शन आ रहा है सेकेंड नंबर पे, तो इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों, ये जो प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिंपल सा जो है आपको दोस्तों यहाँ पे लास्ट सीन एंड ऑनलाइन, ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा आपको पहले नंबर पे, तो आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सो इस पर मैंने क्लिक कर दिया है, और सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको आप सेलेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि आपका जो लास्ट सीन है, आप कब ऑनलाइन आए कब ऑफलाइन गए, सो आपको सबको मालूम पड़ जाएगा, किसी को भी मतलब सबको मालूम पड़ेगा, आप जो कि आपका नंबर सेव करा रहेगा या फिर नहीं, कोई भी नया अनकाउंट बंदा कोई भी आपका जो लास्ट सीन देख सकता है, ठीक है। सो आप ये कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। एंड दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो नीचे माई कॉन्टेक्ट, ठीक है, तो इसको आप अगर करते हो सो इसका क्या फ़ायदा है दोस्तों कि आपके कॉन्टेक्ट में जो बंदा है, ठीक है, जो आपका फ़ोन नंबर सेव करे हुआ है, ठीक है, एंड आप भी उसका फ़ोन नंबर सेव किए हुए हो, सो वही आपका लास्ट सीन देख सकता है आपको अगर इसको सेलेक्ट कर लोगे तो, ठीक है। एंड दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे नीचे दिख रहा है माई कॉन्टैक्ट स्पॉटेड, ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो इससे क्या होगा दोस्तों कि इस पर क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे यहाँ से जो आप एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप अगर जिसको नहीं चाहते हो दिखाना आपका लास्ट सीन, सिंपल सा उसको आपको जो है एक एक ऐसे करके सेलेक्ट कर देना है, ठीक है, जिसको आप नहीं चाहते हो दिखाना लास्ट सीन, सिंपल उसको ऐसा सेलेक्ट कर देना है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो जितना चाहते हो। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देख सकते हो नीचे इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सो इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। एंड दोस्तों, ये तो हो गया। एंड उसके बाद आपको फिर से इसमें जाना है लास्ट सीन, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसमें यहाँ पे इस पर आप क्लिक कर दोगे ये लास्ट वाला, ठीक है, तो इससे क्या होगा दोस्तों आप कोई भी आपका जो लास्ट सीन नहीं देख सकता है, कब ऑनलाइन आए थे आप कब ऑफलाइन गए, ठीक है। सो आप ये भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। सो दोस्तों, मैं यहाँ पे सारा का सारा जितना भी था डिटेल सब मैं आपको बता दिया हूँ कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो जैसा आप चाहते हो, ठीक है। सो दोस्तों, तो मैं जो है अभी यहाँ पे सिंपल सा माई कॉन्टैक्ट पे रहने देता हूँ। एंड दोस्तों, यही था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने वीडियो में सब कुछ आपको अच्छे से समझाया है। सो आपको वीडियो अगर आप अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ठीक।